हे गाइस, कैसे हैं आप सब? आप सभी को ऋतु का प्यार भरा नमस्कार और आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एबीसी ऑफ गार्डनिंग एंड ऑल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे होया प्लांट के बारे में। होया प्लांट जो है ये रॉकी एरियाज़ में ग्रो होता है। ये एक एवरग्रीन प्लांट है और जब हम इसे इंडोर ग्रो करते हैं तो ये लो मेंटेनेंस प्लांट है। तो फ्रेंड्स, ये एक ट्रॉपिकल इंडोर प्लांट है जिसे वैक्स प्लांट या हिंदू रोप के नाम से भी जाना जाता है। और आप जो है इसे एक बार लगाने के बाद में थोड़ी सी केयर यदि करें तो सालों साल जो है आप इसके फ्लावर्स को और इस प्लांट को एंजॉय कर सकते हैं। ये मॉडरेट टेम्परेचर में बहुत अच्छे ग्रो होते हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई या लो टेम्परेचर नहीं होता है। और बेसिकली इनको जो है इनकी फॉलीएज के लिए, ये पत्तों के लिए और इनके जो एरोमेटिक फ्लावर्स होते हैं उसके लिए इनको ग्रो किया जाता है। इसके जो फ्लावर्स होते हैं फ्रेंड्स, ये क्लस्टर में होते हैं और इनके फ्लावर्स की जो पत्तियां उनको पाउडर्स में, परफ्यूम्स में और लोशन में इस्तेमाल किया जाता है। इसकी कम से कम 200 वैरायटीज़ होती हैं और ये सबसे ज़्यादा जो है ये फिलीपींस और ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा इनकी वैरायटीज़ पाई जाती हैं। वैसे ये इंडिया, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, मलेशिया, चाइना सभी जगह ग्रो होते हैं और इनको लगाना बहुत ही आसान है। और इनकी जो पॉपुलर वैरायटीज़ हैं मैं आप लोगों को बता दूं, सबसे पहली है होया कॉर्नोसा, फिर है होया कॉर्नोसा वेरीगाटा, फिर है होया कॉर्नोसा रूब्रा, फिर होया ओबोवाटा और फिर होया है कैरियाई, जिसके हार्ट शेप की लीव्स होती हैं। तो फ्रेंड्स, अब इनको लगाना किस तरीके से है, तो जब हम लगाने की बात करते हैं तो इसके लिए पॉट सिलेक्शन और पॉटिंग सॉइल दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप इसे अपने गार्डन में लगाना चाहते हैं तो एक छायादार बड़े से वृक्ष के नीचे आप इसे लगा सकते हैं, लेकिन जब हम इसे पॉट में ग्रो करने की बात करते हैं तो कम से कम 6 इंच गहरा आप पॉट लीजिए और पॉटिंग सॉइल जो हो वो वेल ड्रेन पॉटिंग सॉइल हो और जिसमें फर्टिलाइज़र अच्छा ऐड किया हो। तो जब भी कभी आप इसकी पॉटिंग सॉइल बनाते हैं तो एक 6 इंच गहरे पॉट में आप, मैंने जो पॉटिंग सॉइल बनाई है मैं वो आपको बता देती हूँ। ये जो है ये मैंने इसमें कोकोपीट वर्मी कॉम्पोस्ट दोनों बराबर मात्रा में मिलाई है। परलाइट वगैरह का मैंने पहले जो 3 लगाए हैं उसमें मैंने ग्रो किए हैं, उसमें मैंने यूज़ किए, पर सेकंड जो है मैंने उसमें इस्तेमाल किए सिर्फ कोकोपीट और वर्मी कॉम्पोस्ट और थोड़ा सा एंटी फंगल पाउडर, क्योंकि इसमें अक्सर जो है ये रूट रॉट की प्रॉब्लम हो जाती है। ये होया कैरियाई है फ्रेंड्स और ऐसा इनको हार्ट लीफ प्लांट भी बोला जाता है और ऐसा बोला जाता है कि इन पत्तियों से कभी पौधे नहीं निकलते। तो आप यदि सिर्फ डेकोरेशन पर्पसेस के लिए ख़रीदना चाहते हैं तो इन्हें ख़रीद सकते हैं, अदरवाइज़ इनका प्लांट ही लें वो बेस्ट है। तो फ्रेंड्स, इसको लगाने के लिए कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले एक 6 इंच गहरे पॉट में आप काफ़ी सारे प्लांट्स, यदि आप राउंड सिरेमिक का या क्ले का पॉट ले रहे हैं तो उसमें आप कम से कम 2 से 3 प्लांट लगा सकते हैं और हर पौधे की दूरी कम से कम आप 20 इंच रखिए और इनको सपोर्ट दीजिए। ये फुल सन में ग्रो होने वाले प्लांट्स हैं और कम से कम इनको 4 से 6 घंटे की धूप जो है इनको चाहिए। तो अभी है जब टेम्परेचर हमारे यहाँ कहना चाहिए मैक्सिमम टेम्परेचर हमारे यहाँ 26 डिग्री चल रहा है और मिनिमम जो है हमारे यहाँ 16 डिग्री चल रहा है, तो इस टेम्परेचर में ये बहुत अच्छे से ग्रो हो रहा है। मैं सभी में ग्रोथ देख रही हूँ फ्रेंड्स। जब ये कम से कम 4 फीट बढ़ जाते हैं या ग्रो हो जाते हैं उस दौरान इनमें कुछ में फ्लावर्स निकलते हैं, फ्लावर्स जो इनके गुच्छों में निकलते हैं और उनके कलर्स जो हैं पिंक, वाइट, ऑरेंज और रेड कलर्स होते हैं और येलो भी होते हैं। मैंने येलो कलर्स के भी फ्लावर्स देखे हैं और ये बेसिकली स्प्रिंग और समर सीज़न में ब्लूम करते हैं। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स कि इसकी प्रूनिंग और रिपॉटिंग किस तरीके से की जाती है। तो उसके पहले मैं आपसे बताऊंगी फर्टिलाइज़र के बारे में। तो फ्रेंड्स, जब ये अपने ग्रोइंग पीरियड में होते हैं तो उस दौरान इनको हर महीने कम से कम एक मुट्ठी, आप जो भी आपके पास में एज्ड मैन्योर हो, चाहे फार्मयार्ड मैन्योर हो चाहे वर्मी कॉम्पोस्ट है, वो हर महीने आप डालिए, क्योंकि ये वाइन्स की तरह ग्रो होते हैं और
ये स्प्रिंग और समर में ब्लूम करते हैं, तो मतलब आप समझ लीजिए हमारे यहाँ जो सीज़न स्टार्ट होता है वो फ़रवरी से स्टार्ट होता है, फ़रवरी से लेके जून तक। लेकिन इसको बहुत तेज़ धूप नहीं चाहिए, जहाँ ऐसी जगह रखिए इसको जहाँ पर दिन भर या दोपहर तक की भी धूप मिल जाए, तो आपका प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो होगा। जैसे मुंबई वगैरह में हमारे यहाँ टेम्परेट क्लाइमेट क्लाइमेट रहता है, वहाँ मुंबईज़ में या सी कहना चाहिए सी साइड्स में ये बहुत अच्छे से ग्रो हो सकती है, क्योंकि वहाँ की हवा जो है वो उसमें नमी रहती है, उसमें कहना चाहिए टेम्परेचर भी उसी तरीके से रहता, बहुत हाई नहीं जाता है, तो ये इनके लिए ग्रोइंग आइडियल है। और जब हम फर्टिलाइज़र की बात करते हैं, लेकिन जब इनका मेन ब्लूमिंग सीज़न आता है स्प्रिंग में, स्प्रिंग और समर्स में, उस दौरान इनको वेल बैलेंस फर्टिलाइज़र हर महीने आप हर 15 दिन के अंतराल पर डालिए, जो भी लिक्विड फर्टिलाइज़र आपके पास में है वो आप ऐड कर सकते हैं। और उसमें एनपीके की ज़रूर आप मात्रा ध्यान रखें, आप जिस भी प्रकार का यूज़ करते बेस्ट है ऑर्गेनिक यूज़ कीजिए। और पानी की जब हम बात करते हैं, तो ज़रूरत से ज़्यादा पानी यदि आप देंगे तो इनमें प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। सबसे ज़्यादा इनमें जो बीमारियाँ देखी जाती हैं वो है रूट रॉट की प्रॉब्लम होती है, फिर पाउडरी मिल्ड्यू उसमें हो जाती है। और इनमें जो कीड़े लगते हैं वो एफिड्स हैं, स्केल्स हैं, स्पाइडर माइट्स हैं, मिली बग्स हैं और स्नेल्स हैं। तो इसके लिए बेस्ट है कि आप समय समय पर नीम ऑयल जड़ों पर भी डालिए और साथ ही आप स्प्रे भी करते जाइए। और प्रोपगेशन की जब हम बात करते हैं, तो फ्रेंड्स प्रोपगेशन बहुत आसान है इनका। जिस तरीके से हम मनी प्लांट ग्रो करते हैं, एक मैच्योर कटिंग लेकर 6 से 8 इंच लंबी कटिंग लेकर आप पानी में डाल दीजिए, पानी समय समय से बदलते रहिए, तो 2 हफ्ते बाद आप देखेंगे कि उसमें रूटिंग स्टार्ट होगी। जैसे आप ये प्लांट देख रहे हैं, ये कटिंग से ग्रो हुआ है और ये करीबन 5 से 6 इंच है, तो इसमें सब में आपको ग्रोथ दिख रही होगी। अभी इनको लगाकर मुझे कम से कम एक महीना हो चुका है। और साथ ही यदि आप सॉइल में ग्रो करना चाहते हैं तो टिप से ग्रो कीजिए, और उसको बेस्ट है कि आप ऐसे जगह पर रखिए जहाँ पे उसको इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट मिले। 2 से 3 हफ्तों में जब उसकी रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी तो फिर आप उसे लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं इसको वाटरिंग कैसे करना है। तो उसको पानी अच्छे से दीजिए, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा पानी मत दीजिए। समय समय पर एंटी फंगल पाउडर जो है आप रूट्स में घोल घोल कर डालते रहिए। यदि कोई आपको दिख रहा है येलो लीव्स हो चुकी हैं या कुछ प्रॉब्लम है, तो उन लीव्स को हटा दीजिए ताकि इसकी ग्रोथ अच्छी हो। साथ ही ये जो प्लांट है, ये कैट्स और डॉग्स जो पेट्स आपने पाल रखे हैं उनके लिए पॉइजनस है। तो और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि ये प्लांट, जब कुछ प्लांट्स इसमें स्पीशीज़ ऐसी हैं कि 1 साल बाद उसमें फ्लावरिंग हो जाती है, और कुछ ऐसी होती हैं जो 2 से 3 साल बाद इसमें फ्लावरिंग करते हैं। इनको सपोर्ट दीजिए, वाइन की तरह ग्रो होते हैं और इनको कई साल तक आपको पॉट चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है मेरा ये वीडियो आपको पसंद आएगा। तो हम फिर मिलते हैं अगले नए टॉपिक के साथ में। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी गार्डनिंग।